गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप दैट आई एम ऑडिबल टू यू, या दैट्स ओके। लेट्स कंटिन्यू विद द सेम लेक्चर, विद द सेम चैप्टर, बच्ची द इंफॉर्मेशन, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज वी आर स्टडिंग एंड दिस इज यूनिट 4 सेक्शन ए स्टूडेंट्स। And now this is lecture number 2. Lecture number 2 means like we did something in the lecture number 1, which we are not going to discuss that much now. Even if you have any doubt, you can ask at the end of the lecture. You'll be given enough time to put questions. See, the unit 4 is talking about precious water, and the section name we are discussing, the lake that flew away. So by the end we were reading this. Sorry, the first para we completed. We are starting directly from the second one. This you can see. We are starting directly from here, which I am underlining this. You all can see this, I hope. The bandit stood still, waiting for a billion steely gallons to fall on their heads like the end of the world. As you all know that Lake Im flew from the place where it was, jahan par ye thi wahan se ye fly karti hai, upar uth jata hai, billions of gallons water, itna zyada pani lake ke andar hota hai, wo sare ka sara hawa mein udne lagta hai upar, and the fish and the treasure and everything which was in the lake, the precious things were with it, उसके साथ थी। So उसको देख करके जो ये bandits, जो decats थे सारे के सारे, those were hiding themselves in the forest, वो still stock still means स्तंभ रह जाते हैं देख करके, and waiting for billion steely gallons. Billion steely gallon means इतना ज्यादा पानी वो wait करते हैं कि ऐसा ना हो कि ये उनके सर के ऊपर गिर जाए, to fall on their heads like the end of the world, और उनके लिए तो इस पूरे संसार का अंत हो जाएगा अगर ये पानी उनके ऊपर गिर जाता है। मिनट आफ्टर मिनट दे लिसन टू द जेंटल हिस ऑफ मूविंग वाटर कास्केडिंग थ्रू द स्काई। कास्केडिंग मीन्स स्टूडेंट्स फॉलिंग और रशिंग फोर्थ इन ग्रेट क्वांटिटी, मीन्स बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में किसी चीज का आगे बढ़ना, राइट। सो मिनट आफ्टर मिनट, हर मिनट के बाद क्या होता है, वो सुनते हैं आवाज उस पानी की जो लेक का वाटर था, इम लेक का जो वाटर था वो आगे बढ़ रहा था, दैट वाज गोइंग फोर्थ, कास्केडिंग मींस मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ बढ़ रहा था स्काई में, ऊपर हवा में, आसमान में। देन द मून बोट इनटू व्यू अगेन लाइक अ फिशिंग फ्लोट एंड द डेंजर वॉज पास्ट। और फिर वो ऊपर देखते हैं कि द मून बोप्ट, बोप्ट मीन्स कि चंद्रमा जो था, यू मस्ट नो दैट इट्स हाफ कट, बोप्ट मीन्स कटा हुआ था, उसका व्यू जो दिखाई दे रहा था, और क्या दिख रहा था उनसे, लाइक अ फिशिंग फ्लोट, और उस पानी में जो फिश थी वो फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी, घूम रही थी, एंड द डेंजर वॉज पास्ट, और जो खतरा था उनके सर के ऊपर, क्योंकि जो लेक इम थी वो आगे बढ़ चुकी थी, फोर्थ कर चुकी थी, सो खतरा जो था वो खत्म हो गया। वेल व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, बेलोड द रॉबर चीफ, जो उन लुटेरों का चीफ था, मुखिया था, वो जोर से चिल्लाता है, बेलोड मींस चिल्लाना, गर्जना करना, कि अब तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, गेट आउट देयर एंड मेक द मोस्ट, जल्दी करो वहां पे जाओ, और मेक द मोस्ट मींस मेक द मोस्ट ऑफ इट, उसमें से जल्दी फाइंड आउट करो कुछ चीजें, There'll be fish by the barrel. अब वो कहता है कि वहां पर जो है फिश हो सकती है। By the barrel load too. और वो फुल भरी होंगी वहां पर, जो बैरल लोड मीन्स वहां पर जो जगह है जो बची हुई है उसमें फिश फुल भरी हुई होगी। टू देयर फॉर द पिकिंग अप, उनको पिकअप करने के लिए, उनको उठाने के लिए, पिक करो उनको, पकड़ के लेके आओ, एंड ट्रेजर, और ट्रेजर खजाना भी होगा वहां पर, जो जो चीफ होता है, रॉबर चीफ जो था, मुखिया जो था चोरों का, लुटेरों का, वो जोर से चिल्लाता है, डोंट फॉरगेट द ट्रेजर, खजाने को मत भूलना,
ऑल द जस्ट फॉर टेकिंग, और वो वहीं पर है हमारे द्वारा लेके आने के लिए कि हम उसे लेकर के आए, सारे का सारा खजाना वहां पर वहीं पर है और हम उसको जो लेकर के आ जाए। एज दे पेल्टेड डाउन, पेल्टेड मीन्स होता है चिल्ड्रन मूव्ड रैपिडली, तेजी से वो नीचे जाते हैं। एज दे मूव्ड रैपिडली डाउन टू द लेक, लेक में जो लेक की गहराई थी, डाउन वॉज जस्ट राइसिंग, और उनको ऐसा महसूस हो रहा था जो डाउन था वो ऐसा लग रहा था कि वो ऊपर की तरफ आ रहा है। लेक जितनी जगह में थी वो गहरी थी, वो गहराई जो है ऊपर की तरफ उभर करके आ रही थी। द बोट्स हैव गॉन चीफ, और उनमें से एक चिल्लाता है कि चीफ जितनी भी बोट्स थी वो भी साथ साथ चली गई हैं, हु नीड्स देम, वी कैन वॉक। और चीफ कहता है कि उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, किसको जरूरत है उनकी, हम चल सकते हैं, वी कैन वॉक। दे प्लंज्ड ऑन अप टू देयर नीज इन मड, और वो धंसते चले गए घुटनों तक जो है कीचड़ में, जो मड वहां पर था। द लेक बेड वॉज सर्टनली अलाइव, और उनको ये महसूस हुआ कि लेक का जो बेड था, मीन्स जो सरफेस थी, ऐसा लग रहा था कि अभी वहां पर है। विद रिगलिंग मूवमेंट, रिगलिंग मूवमेंट मीन्स टर्न ट्विस्ट एंड शॉर्ट मूवमेंट, यानी कि वो ऊपर की तरफ जब उभर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि दैट वॉज अलाइव, इट वॉज अलाइव नॉट डेड। रिगलिंग मीन्स रिगलिंग, रिगलिंग मीन्स अगेन आई एम रिपीटिंग टर्न ट्विस्ट शॉर्ट मूवमेंट, वो शॉर्ट मूवमेंट करके आगे बढ़ रहा था, ऊपर की तरफ निकल रहा था। एंड ट्रेजर चेस्ट, चेस्ट को अंडरलाइन करके लिखो बच्चों, अ लार्ज बॉक्स यूजुअली मेड ऑफ वुड, एक बड़ा सा बॉक्स होता है जो वुड का बनाया जाता है, जिसको लॉक लगाए दिए जाते हैं अंदर सामान रखकर, दैट्स कॉल्ड चेस्ट। एंड ट्रेजर चेस्ट ले अबाउट स्मैश्ड ओपन एट द हिंग्स एंड स्टीमिंग इन द अर्ली सन, और जो बॉक्सेस थे खजाने के वो पड़े हुए थे, ले अबाउट स्मैश्ड बिल्कुल वहां पर पड़े हुए थे। ओपन एट द हिंग्स, हिंग्स मीन्स होता है जो उसका जिसको हम लॉक लगाते हैं, जिसको कुंडी, अ पीस ऑफ मेटल और प्लास्टिक एटसेट्रा, जिसकी जहां तक से हम उस बॉक्स में लॉक लगाते हैं, राइट, जिसको कवर करके उस लॉक लगा देते हैं, लीड कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड हिंग्स। एंड स्टीमिंग इन द अर्ली सन, और जो सन निकलता है अर्ली, उसमें वो क्या हो रहा है, चमक रहा है, स्टीमिंग इन द अर्ली सन, स्टीमिंग मीन्स मीन्स यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा वार्म हो जाना है, राइट। अ बैंडिट थ्रस्ट हिज आर्म इनटू वन ऑफ द चेस्ट्स, और एक चोर ने जो है, बैंडिट मीन्स यहाँ पर जो रॉबर है, जो लुटेरा है, चोर से उसके ऊपर हाथ मारता है, आर्म इनटू हिज और वन ऑफ द चेस्ट, एक बॉक्स के ऊपर, देन ड्रू आउट विद अ शॉट, शॉट मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन, लाउड विद हाई शाउट, जोर से उसके अंदर आवाज आती है जैसे ही वो उसको अपने आर्म से मारता है, और ये ड्रू इट आउट मीन्स बाहर की तरफ खुल जाता है। अनदर वॉज फुल ऑफ वाटर, एक तो जो था, द चेस्ट वॉज फुल ऑफ फ्रॉग्स, वन लाइन इज मिस्ड देयर, दैट्स आई एम स्पीकिंग स्टूडेंट्स, अनदर से पहले एक लाइन है, द चेस्ट वॉज फुल ऑफ फ्रॉग्स, जिस चेस्ट को उसने ओपन किया, जिस बॉक्स को उसने ओपन किया था, दैट वॉज फुल ऑफ फ्रॉग्स, उसके अंदर जो है फ्रॉग्स बहुत ज्यादा थे। फुल ऑफ फ्रॉग्स, मेंढक जो थे बहुत ज्यादा थे। अनदर वॉज फुल ऑफ वॉटर, दूसरे में पानी भरा हुआ था। Another was full of water, snakes, another lizards, not a fish. किसी में lizards थी, छिपकलियां जो होती हैं, snakes थे, सांप थे, लेकिन fish नहीं थी, not a fish, एक fish नहीं थी. Not a single bearded barbel or dappled trout. These are the species of fish, children, which are used as food for the people. खाने के लिए use करते हैं लोग इनको. ये इनकी species होती हैं जो वो खाते थे. Lay stranded by the lakes, और वो जो है सारे के सारी चीजें जो है लेक के साइड में पड़ी हुई हैं, lakes departure उसके बाद basically. But every lizard, reptile knew it. Lizards, you know, reptile knew it. Small animals or creatures with a tail or like very small, जो छोटे छोटे होते हैं, और लॉन्ग टेल और शॉर्ट लेग्स, दीज आर कॉल्ड न्यूएट,
न्यूएट्स वो बोलता है जिनको, एंड सिलमेंडर फ्रॉग इट्स अ स्पीसीज एंड स्लग दैट हैड एवर लिव्ड इन द मड ऑफ द लेक वाज क्रॉलिंग टुवर्ड्स द शोर. ये जितने भी स्मॉल क्रिएचर्स थे, एनिमल्स थे, ये सारे के सारे जो है अपने जगहों से जो लेक के नीचे की तलहटी थी उसमें रहते थे और वहां से निकल करके वो किनारे की तरफ बाहर की तरफ आ रहे थे. Why? It's because the water was not there. They were not safe. They were not feeling safe. So they were crawling. Crawling means उधर रेंगते हुए शोर की तरफ आ रहे थे, बाहर निकल रहे थे. The brigands shrank back in revolution. Shrank back in revolution, स्तंभ होकर के पीछे की तरफ वो आते हैं. Revolution means disgust बोलते हुए, because they did not get the fish to eat and the treasure they were finding out, जो वो ढूंढ रहे थे वहाँ पर. Only to see the nasty livestock. Nasty means live, nasty बहुत गंदा. Livestock means the animals, जो ये small animals creatures थे. Livestock इनके लिए use होता है. Off the lake, crawl past into their dens. और den होता है the place where they live. Right? Room को भी den बोला जाता है. And the place where animals live, that is also called den. Into their beds, अपने बेडों से उठ उठ करके सारे अपने den, अपने room से, अपनी जगहों से बाहर निकल के आ रहे हैं. Into their boots and bags and hats, उनके boots, bags और जो hats उन्होंने पहनी हुई थी वो सारे जो है आगे बढ़ करके उनके ऊपर चढ़ रहे थे, जो भी थे ये सारे के सारे small creatures or animals. Right everyone? So this is quite easy. If you find anything difficult, just underline that and we'll have a discussion at the end of the lecture. Though it's quite easy. If any word disturbs you, you just need to do one thing. You need to find out that word's meaning in dictionary. Right, everyone? Let's go ahead. Now see, they burned everything. उन्होंने सब कुछ जला दिया. Their lairs. Lairs means होता है hideout places, जहां पर वो छिपते थे और अपने आप को जो है अपने सामान चीजें रखते थे, वो सारा सामान उन्होंने, वो सारी चीजें वहां पे जला दी. एंड ऑल दे हैड स्टोलन, जो भी उन्होंने वहां से चुराया था, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी एविडेंस कि भाई जो ब्रिगेंड्स थे, जो रॉबर्ट्स थे, वो यहाँ पे हाइड आउट करते थे, छिपते थे. एंड ऑल दे हैड स्टोलन, जो भी चुराया था वो सब जला देते हैं. दे रेज्ड द फॉरेस्ट टू इट्स स्टर्म्स. Raised the forest, जंगलों को जो है काटने लग जाते हैं, वो काट देते हैं. To its stumps, stumps means the bottom part of the tree left in the ground. Tree को कट करने के बाद जो bottom part tree का रह जाता है नीचे, that's called stumps. उसको हम लोग जो है stumps बोलते हैं. उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, finish कर दिया. Then trudged away, and then trudged away means वो क्या करते हैं, walk slowly with the heavy steps. Trust means to walk slowly with the heavy steps. धीरे धीरे चलते हैं, बड़े बड़े कदम रखते हुए वहां से निकल जाते हैं. Their wicked lives in ashes, leaving an empty crater encircled by fire. और उनकी जो विकट विचित्र जिंदगी थी, जो लाइफ थी, वो आग में, अब वो बताता है, in the ashes, leaving an empty crater. Crater means होता है large hole in the top of a volcano. ऐसा लग रहा था कि एक वोल्केनो टाइप सिचुएशन बन गई थी और चारों तरफ आग लगी हुई थी और धुआं उठा हुआ था. बाय फायर, एनसर्कल्ड बाय फायर मींस धुआं उठा हुआ था और आग लगी हुई थी. मीनवाइल क्या होता है, लेक इम कैरीड इट्स केयरफुल बर्डन. और उसी दौरान जो लेक इम थी, कैरीड इट्स केयरफुल बर्डन, अपना जो उसके पास पानी था, जो फिश थी, जो क्रिएचर जो उसके पास थे, और उन सबको लेकर के फिश एंड ट्रेजर थ्रू द स्काई, जैसे कि फिश थी, ट्रेजर था, खजाना था. It flew so high, इतना ऊपर चली जाती है, that people below looked up, जो नीचे लोग थे वो सारे के सारे उसको देखते हैं and said, और क्या कहते हैं, what cloud is that? ये किस तरह का बादल है? And is that hiding the sun, जो sun को छुपा रहा है? Hunters looked up and said, और जो hunters थे, शिकारी जो थे, वो कहते हैं, what flock of birds? When they saw the fish and that floating in the water of the lake, so they said, the hunters, जो शिकारी थे, क्या कहते हैं, what flock of birds is that? वो किस तरह का झुंड है birds का,
पक्षियों का दैट ब्लैकिंग आउट द सन, जिसने सन को जो है क्या कर दिया है, काला कर दिया बिल्कुल एकदम से, नहीं दिख रहा है. देन द लेक केम टू अ लैंड, और उसके बाद जो लेक है एक ऐसी लैंड पर आ जाती है, लैंड पार्च्ड पार्च्ड एंड क्रैक्ड ब्राउन एंड डेस्टिट्यूट फॉर वॉन्ट वॉटर. अंडरलाइन द वर्ड पार्च्ड. पार्च्ड मीन्स होता है वेरी ड्राई, थर्स्टी, बहुत सूखी जमीन थी. क्रैक्ड मीन्स उसमें लाइनें पड़ी हुई थी, सूख चुकी थी. ब्राउन मीन्स बिल्कुल एकदम से कलर जो था अर्थ का ब्राउन हो चुका था. और डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मीन्स बेसहारा, जिसमें कोई खेती नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था. और वॉन्ट ऑफ वाटर, जिसको जो है किसकी जरूरत थी, पानी की जरूरत थी. वॉन्ट ऑफ वाटर. द पुअर पीजेंट्स, पुअर मीन्स बेचारे. यहाँ पर जो है द पुअर, सी द पिक्चर चिल्ड्रन, यू कैन सी दिस what happened when the lake went from the particular place. The chests means boxes and filled with the snakes or like with the lizards or frogs or some other small creatures there, right? You could see in the picture. Let's go ahead. So the poor peasants, poor means bechare, peasants means yahan par jo hai kisanon ko lekar ke use hua hai. Kisan hota hai peasants, jo bechare kisan the. They held out their hands, hoping the cloud might spare them a few drop of meager rain. कि जो ये बादल जो ऊपर से जा रहा है वो उम्मीद करते हैं, hoping means उम्मीद करते हैं उस बादल से कि वो कुछ पानी जो है उनके वहां जो है तुच्छ. meager means होता है तुच्छ बोल दो या कुछ बोल दो, बहुत मामूली सी बात वो कर रहे हैं. meager वो जो है उनके लिए वहां पर छोड़ करके जाएंगे. देन सडनली आउट ऑफ द स्काई इट्स स्वूप्ड, और फिर अचानक से क्या होता है, स्वूप्ड मीन्स होता है नीचे की तरफ आना. स्लूसिंग वेल्थ ऑफ वाटर, इतना ज्यादा पानी भरा हुआ जो बादल था वो नीचे की तरफ आता है. स्लूसिंग वेल्थ ऑफ वाटर विच सीम्ड टू ग्लिटर विद जूल्स, और वो ऐसा लग रहा था कि चमक रहा था, ग्लिटर विद जूल्स, ज्वेलरी जैसा. Sorry. Make me a bed to lie in. मेरे लिए एक बेड बनाओ जिसपे मैं लेट सकूं. And I shall stay with you. और मैं हमेशा के लिए जो है तुम्हारे पास stay करूंगी. Offered Lake Im in a voice like a thundering water. इस आवाज में उस लेक ने उन लोगों से, उन किसानों से बात की कि भी मेरे लिए एक बेड तैयार करो जिसमें मैं रह सकूं और मैं तुम लोगों के पास रहूंगी. लेक ये बात करती है उन किसानों के साथ, उन पीजेंट्स के साथ. द पीजेंट्स स्नैच्ड अप देयर होज एंड स्पेड्स. होज एंड स्पेड्स होती है द गार्डन टूल्स, जो खुदाई के लिए, ठुकाई के लिए हम लोग यूज करते हैं गार्डन में. दिस इज कॉल्ड होज एंड स्पेड्स. जितने भी किसान थे वो सारे के सारे, स्नैच मीन्स एक्ट ऑफ डूइंग वेरी क्विकली, बहुत तेजी से जो है वो अपने पावड़े, कसी और चीजें सारी की सारी लेकर के पहुंच जाते हैं. द चिल्ड्रन डग विद देयर हैंड्स, बच्चों ने अपने हाथ के साथ खुदाई की. वेमेन व्हील्ड अवे द ड्राई अर्थ, जिस मिट्टी को वो खुदाई कर रहे थे उसको लेकर के इन बरोज, बैरोज मीन्स को अंडरलाइन कर लेना, जिसको हम रेहड़ी या ठेला बोलते हैं, राइट, रेहड़ी या ठेला, बरोज मीन्स, उसमें वो उस ड्राई मिट्टी को भर करके बाहर लेकर के जा रहे हैं. विद इन अ वीक दे मेड अ बेड फॉर द लेक, और एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने जो है लेक के लिए पूरा बेड बना दिया खुदाई करके, कि लेक उसमें आराम से रह सके. एंड इम सेटल्ड इनटू इट, और जो लेक इम थी वो क्या कर जाती है, वहां पर ठहर जाती है, सेटल कर जाती है अपने आप को. विद अ साउंड लाइक अ वेरी ग्रॉन, वेरी को अंडरलाइन कर लो, मीन्स वेरी टायर्ड. अब ऐसा महसूस हुआ, साउंड मीन्स ऐसा महसूस हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी. With a sound like a weary groan, कि ये थकी हुई थी. Fish danced on their tails, और जो fish थी वो dance करती है अपनी tail के ऊपर, क्योंकि lake im जो थी वो stay कर जाती है उस particular place पे which was prepared or made by the peasants, किसानों के द्वारा जो बनाया गया था. While each circle ripple with spread from the center to the shore,
सेंटर से शोर तक, यानी कि जो लेक इम थी उसके बीच से और किनारे तक जो है, रिपल मीन्स होता है स्मॉल वेव, छोटी छोटी जो है लहरें आती हैं, सर्कल करती हैं, वो घूमती हैं सेंटर से लेकर के और शोर तक, किनारों तक आती हैं। वॉश्ड अप अ ट्रिंकेट ऑफ गोल्ड, और ज्वेलरी को जो है वो बाहर की तरफ निकाल करके उनको देती है, वॉश्ड अप, उनको वॉश करते हुए दिखाई देती है। एंड और अ फ्यू सिल्वर कॉइन्स, और कुछ सिल्वर कॉइन्स उन किसानों को, उन पीजेंट्स को। सेवरल लिटल बोट्स बोब्ड अबाउट, और कुछ छोटी छोटी नौकाएं, बोब्ड अबाउट मीन्स यहाँ पर दिखाई देती हैं, मिली, जिनकी जानकारी मिली उनको, कि छोटी छोटी नौकाएं जो हैं वहां पर हैं, टू ऑन अ चौपी वेव्स, चौपी वेव्स, वेव्स मीन्स कटीली लहरों में, जो कि कटीली लहरें थी उस लेक इन की, उसमें जो है छोटी छोटी नौकाएं थी, बोट्स थी, उनके बारे में उनको पता चला। They came to know about this all. इस सब के बारे में उनको जो है पता चलता है। Choppy waves. Let's go ahead. First, the peasants thanked God. पहले तो जो किसान थे उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। In the church, then they thanked the lake with floods. और उसके बाद उन्होंने उस लेक का धन्यवाद किया वो फ्लड्स के साथ। That they floated on its face, और उसके फेस के ऊपर, यानी कि उसमें अर्पण किया फूलों को, और वो वहां पर क्या करने लगे, फ्लोट करने लगे, तैरने लगे। They planted willow trees and dug cattle thorough. अब उन्होंने वहां पर छोटे छोटे पेड़ लगाए। विलो इज अ टाइप ऑफ ट्री जिसकी लॉन्ग थिन ब्रांचेज होती हैं, और डग कैटल थोरोस, और पशुओं को नहलाने के लिए अलग से उन्होंने खुदाई की। मेड ऑजियर बेड्स इन द शेलोज, ऑजियर मीन्स उन्होंने वेरियस विलो हुज सपल ट्विग्स आर यूज्ड फॉर फर्नीचर और बास्केटरी, यानी कि फर्नीचर बनाने के लिए जो ऑजियर्स यूज होते हैं उसके लिए उन्होंने वहां पर बेड्स मीन्स खुदाई करके उन पेड़ों को लगाया। एंड बिल्ट जेटीज फ्रॉम द शोर, और जेटीज को उन्होंने बनाया। जेटीज मीन्स हम जो बुनाई करके जो भी चीजें बनाते हैं फॉर द लिविंग बींग्स, दैट्स कॉल्ड जेटीज। और शोर के किनारों के ऊपर जो पार्टिकुलर पार्ट होता है वहां पर उन्होंने उसको क्या किया, बनाया। दे चैनल्ड वाटर टू देयर फील्ड्स, और उन्होंने चैनल मीन्स इस तरह से रास्ता बनाया है कि जो पानी लेक से होते हुए उनके खेतों तक पहुंच सके। एंड द फील्ड्स फ्लरिश, अब जब पानी खेतों तक पहुंच गया सो जो खेत थे वो सारे के सारे लहराने लगे, फ्लरिश करने लगे। द बिल्ट अ टाउन, उन्होंने टाउन बनाया। एंड फेड इट ऑन फिश, और उस टाउन को खाने के लिए उस लेक ने बहुत फिश दी, फिश। एंड टाउन फ्लरिश, और टाउन भी जो है क्या कर गया, फ्लरिश करने लगा। टाउन ऑल्सो फ्लरिश, राइट, टाउन ऑल्सो फ्लरिश्ड। गेटिंग एवरीवन, इट्स ओके। अब टाउन जो उन्होंने पीजेंट्स ने मिलकर के वहां पर किनारे पर बनाया उस लेक के, और उन सबको जो है फिश मिलने लगी। अब ऑल द फिश फ्राई, फिश फ्राई मीन्स जो बेबी को वो फिश करते थे खाने के लिए, दे रिटर्न, और वो वापिस आ जाती थी लेक में। सो दैट द फिश स्टॉक थ्राइव्ड, के जो फिश का स्टॉक है लेक के अंदर वो कभी भी कम ना हो, भरा रहे उसके भंडार। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट दे केयर, अब यहां पर देखो, इन शॉर्ट दे केयर फॉर द लेक, उन किसानों ने जो है लेक की केयर की, और लेक ने जो है लेक केयर फॉर देम, और जो लेक थी उसने जो है उन सब की केयर की। लाइक इन द स्टार्टिंग वी रेड द कोट्स, जो कोट्स में हमने पढ़ा था कि मैं, माई एटीट्यूड विल बी एज यू ट्रीट मी, यू शुड रीड इट आउट, माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी। द सेम थिंग इज अप्लाइड हियर इन द टेक्स्ट वी रेड टूडे, कि भाई अगर आपने देखो जो पीजेंट्स जो किसान थे उन्होंने जो है लेक की केयर की, परवाह की, उसकी टेक केयर की। इन रिटर्न द लेक ऑल्सो टुक केयर ऑफ देम, उसने भी उनकी टेक केयर की, उनके ध्यान की, उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें थी वो सारी की सारी पूरी की, हेल्प की उसमें।
विच इज एज इट शुड बी, और जैसा कि कहते हैं कि भाई ऐसा ही होना चाहिए. इफ यू डोंट वॉन्ट योर बेड फुल ऑफ न्यू एड्स, अगर तुम अपने बेड को जो है, अपनी लाइफ को जो है, देखो भाई ये कोटेशन टाइप है. न्यू एड्स मीन्स अगेन स्मॉल क्रिएचर्स विद शॉर्ट लेग्स और लॉन्ग टेल, कि भाई तुम जो है अपनी लाइफ को जो है प्रॉब्लम में नहीं पुट करना चाहते. यू शुड टेक केयर ऑफ अदर्स, द अदर्स विल टेक केयर ऑफ यू. दिस इज द टेक्स्ट वी हैव रेड सो फार चिल्ड्रन. If any one of you has any doubt related to this, I'll help you out to just sort out. Otherwise, that's enough for today's lecture.